रोहिड़ इलाके में बुधवार रात जैगुआर कार सवार एक फाइनेंस की गोली मार करके हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 29 वर्षीय शेखर राणा उर्फ सन्नाटा के तौर पर हुई है। राणा गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया के लिए काम करता था। हमलावरों ने राणा को नजदीक से गोली मारी। पुलिस ने बताया कि उसे 2 गोली लगी है। देर रात कॉल मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ शेखर को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। आधी रात को इलाज के दौरान शेखर ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार फुटेज में बाइक सवार संदिग्ध हमलावर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतक जेल में बंद गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का करीबी था। 2 महीने में यह दूसरा मर्डर है, जब गोगी के सहयोगी ने बदला लेने के लिए इरादे से टिल्लू के साथियों को टारगेट किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 2019 में नरेला में शेखर राणा के भाई की भी हत्या हो चुकी है। पुलिस को शक है यह वारदात भी गैंगवार का नतीजा है। पुलिस अफसर का कहना है कि शेखर के खिलाफ रॉबरी मर्डर जैसे 8 संगीन मामले दर्ज हैं। 4 महीने से अंडरग्राउंड चल रहा था। पुलिस के मुताबिक केएन कार्टूज मार्ग थाने को बुधवार रात करीब 9:58 बजे के आसपास एक महिला ने कॉल करके इस वारदात की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सफेद रंग की चंडीगढ़ नंबर की जैगुआर कार खड़ी थी। कार में खून से लथपथ जो युवक मिला उसकी पहचान अलीपुर के खेड़ा कला गांव निवासी शेखर राणा उर्फ सन्नाटा के तौर पर हुई। शेखर के पिता इंद्रजीत सिंह पेशे से किसान है। पूछताछ करने के बाद पता चला कि शेखर कार में अकेला था। उसे 2 गोलियां लगी, एक गोली दाहिनी पसली और दूसरी बाईं जांग के अंदरूनी हिस्से में लगी। पुलिस को जांच में पता चला कि कॉलर मृतक की गर्लफ्रेंड है। शेखर का फाइनेंस का काम था। बुधवार रात वह गर्लफ्रेंड से मिलकर लौट रहा था, तभी उस पर बाइक सवार हमलावरों ने टारगेट किया। गैंगस्टर गोगी की हत्या के बाद टिल्लू गैंग में एक पार्टी हुई थी। उस पार्टी में शेखर राणा ने हिस्सा लिया था। उस पार्टी का वीडियो गोगी गैंग के गुर्गों को हाथ लग गया था। इसके बाद से हमलावर बदला लेने के लिए एक एक कर टारगेट कर रहे थे। यही वजह है कि इन दिनों शेखर चंडीगढ़ में छिप कर रह रहा था, बीच बीच में आता था। जिस महिला से उसके रिलेशन है वह सेक्टर 16 रोहिणी के एक फ्लैट में रहती है। वह एक बच्चे की माँ है, उसी से मिलने शेखर आया था। नमस्कार, मैं हूँ अमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ऑन एक्सपोज इंडिया।